राख। वंदे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस द मिलेनियम और क्वीन ऑफ द लेडी किन्हें कहा जाता है दोस्तों, जान ही गए होंगे आप। ये है लता मंगेशकर का उपनाम, जो आज इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत के समुद्र में सबसे बड़े मछुआरे की तरह थी हेमा मंगेशकर। बाद में इनका नाम पड़ा लता मंगेशकर। जी हाँ, आज का वीडियो सुरों की मलिका लता मंगेशकर दीदी के नाम। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिएगा। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक मराठी और कोंकणी के शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। लता की माँ का नाम शेवंती मंगेशकर था। जन्म का इनका नाम हेमा राव मंगेशकर था, लेकिन एक नाटक में लतिका का रोल निभाया और उसी समय से इनका नाम पड़ गया लता मंगेशकर। इनके भाई और बहन थे मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ, सभी गायक और संगीतकार हैं। जब लता 5 साल की होंगी तभी से गीत में जादू ला कर इन्होंने अपने आप को अच्छा गायक सिद्ध किया था, यानी गायिका सिद्ध किया था। गायन कला में परंपरागत होने के नाते इन्हें पिता की ही संगीत की शिक्षा मिली थी, जो इनका पिता शुरू से ही गाते थे। वे नाटक में भी भाग लेती थी और संगीत में भी गाती थी। 1940 के दशक में वे फिल्मों में गाना शुरू किया था। 1942 में 13 साल की जब लता हुई तो पिता चल बसे, तब लता अकेली थी। तब उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक जी ने उनकी मदद की और साथ में सभी भाई बहनों के साथ उनकी देखभाल की। 1942 में ही विनायक साहब ने रिक्वेस्ट पर मराठी फिल्म किसी किती हसाल में लता जी को एक गाना गाने का मौका दिलवाया था। गाना था नाचू या गाडो, खेलू सारी मनी होश भारी। और विनायक साहब ने ही मराठी फिल्म मंगला गौर में भी एक छोटी सी भूमिका दी थी और एक गाना भी लता जी ने गाया था, नताली चैत्री नवलाई, जिसे संगीत बद दादा चांदेकर ने किया था। लता जी ने हिंदी का एक गाना गाया था, माता एक सपूत की दुनिया में बदल दे तू। यह फिल्म मराठी गाजा भागू की थी, जो 1943 में बनी थी। विनायक ने अपनी कंपनी 1945 में मुंबई में हस्तांतरित कर दिया। विनायक ने अपनी कंपनी 1945 में मुंबई हस्तांतरित कर लिया था। लता और आशा ने भी वहां विनायक जी के साथ उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। एक फिल्म थी बड़ी माँ, जिसमें लता जी आशा के साथ कुछ गाने भी गाए थे, और दूसरी फिल्म थी सुभद्रा में काम किया था। लता ने एक भजन भी गाया था, माँ तेरे स्टेज में। इस फिल्म के दौरान उनकी जान पहचान संगीत निर्देशन बसंत देसाई से भी हुई थी। 1948 में विनायक जी का देहांत हो गया, फिर लता एक बार फिर अकेली हो गई। उसमें शशिधर मुखर्जी ने उनका साथ दिया और उनका साथ काफ़ी लंबा भी चला। निर्माता हैदर जी ने अपनी ब्रेक फिल्म पोस्टर्स में नाजिम रेस्तरा के गीत के लिए दिल मेरा मुझे कहीं का न छोड़ा गाने के लिए कहा था, जो काफ़ी हिट हुई। उसके बाद वे हैदर जी के साथ अपना रिश्ता कायम रखी और उन्हें ही अपना गॉडफादर मानने लगी। लगातार वे भारतीय बॉलीवुड को अपने गाने के जादू से पहचान बनाने लगी। धीरे धीरे वे पार्श्व गायिका के रूप में विख्यात हो गई। बेहतर स्वर और पिच विकसित की जादू उनमें काफ़ी थी। नूरजहां और लता के गाने उस में जमाने में शान के प्रतीक थे। प्रत्येक फिल्मों के गाने में लता जी के गाने मिलने शुरू हो गए थे। प्रमुख हिंदी हिट फिल्म था आएगा आने वाला, जो महल का गाना था। इसका गाना भी लता जी ने गाया था और इसका संगीत प्रेमचंद प्रकाश ने किया था। 1950 के दशक में लता मंगेशकर सभी संगीतकारों के साथ काम करने लगी। शंकर जयकिशन, नौशाद अली और सरहुल सिंह स्क्वात्रा सभी शामिल होने लगे थे। लता जी पहला क्लासिक गीत था निधुरा पारो थमुंडा, 1955 में सनातन में
सुरसला साउथ मूर्ति के लिए रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह गानों की कोकिला को काम लगातार मिलने लगा। एक फिल्म थी देवदास, जिनमें इन्होंने महिला गायन का स्कोर भी इन्हें प्राप्त हुआ था। ये मालिक तेरे बंदे हम, यह गाना एक भक्ति गीत था जिसे लता जी के द्वारा गवाया गया था। अब बारी आती है 1960 की दशक की। इस दशक में उन्होंने गाना गया था प्यार किया तो डरना का। यह फिल्म मधुमाला पर फिल्माई गई थी। गाना काफ़ी मशहूर हुआ था। जो गाने के सुर थे वह लता जी के द्वारा ही फिल्माया गया था। कहीं दीप जले कहीं दिल जले गाने को गाने के लिए इन्हें कई सम्मानित भी किया गया था। सबसे प्रसिद्ध गाना था 27 जनवरी 1963 को भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लेकर, जो लता जी ने नेहरू जी के सामने एक स्टेज शो के रूप में सभी भारतीय लोगों के सामने गाया था। ये मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा सबसे प्रचलित गीत था, जो दिल से जुड़ा हुआ था। इसमें नेहरू जी के आंसू भी निकल गए थे, ऐसा लोग कहते हैं। इसकी याद में लता जी का यह स्टेज शो हम अपने 15 अगस्त 26 जनवरी पर आज भी बच्चों के सामने गवाते हैं। इस गाने को श्री रामचंद्र जी ने रचा था और कवि प्रदीप ने इन्हें लिखा था, जिसे सुन स्वयं नेहरू जी कहते हैं, दिल पर खून उमड़वाने वाला, आंसू की थपकन लगाने वाला यह गाना मेरे जीवन की सबसे पहली गाना होगी जिसे मैं सुनकर आज भी रो पड़ता हूँ। 1960 के करीब सभी गानों की गायिका लता जी ही हुआ करती थी। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गाने तो सबसे अधिक लता जी ने ही 700 के करीब गाए थे। कई मराठी गाने भी इन्होंने गाए थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ, किशोर कुमार के साथ, मुकेश जी के साथ इनकी जोड़ी कई गानों में मशहूर हुई थी। अपनी बहन आशा भोसले के साथ भी लता जी ने कई गाने गाए थे। टाइम पत्रिका में एक बार छपा था, लता मंगेशकर भारतीय उपमहाद्वीप की अपरिहार्य और एकमात्र समाग्रही हैं। इनके जीवन के गाने की बड़ी उपलब्धि का सागर इतना था कि भारत सरकार ने इन्हें भारत का सबसे पहला पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया था। गायन का जीवन काफ़ी लंबा था, इसलिए इन्हें पुरस्कार भी काफ़ी मिले थे। फिल्मफेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र पुरस्कार, पद्म भूषण, सबसे अधिक गाने के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ए टी राव पुरस्कार टाइम, पद्म भूषण, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहाँ पुरस्कार, बंजारा पुरस्कार, महाराष्ट्र पुरस्कार आदि पुरस्कार जीवन में इन्हें मिल चुके थे। इस दौरान पूरा जीवन ही लता जी का अवार्ड से भरा हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हो गई है। उस दिन माघ शुक्ल की पंचमी थी, मानो स्वयं सरस्वती माँ अपनी इस पुत्री को लेने आई हो। प्यार से लोग इन्हें लता दीदी कहते हैं और सदा हमारे दिलों में बसी रहेंगी लता दीदी। शोर सामग्री लता मंगेशकर के विराट व्यक्तित्व पर हरीश मिश्रानी की लिखी पुस्तक थी लता की यात्रा, यानी कि इस पुस्तक में इनकी भाषा, गायन, इनकी यात्रा, इनकी गाने की शैली, इनकी शुरुआत, इनके बचपन, सारी चीज़ों को लगातार डाला गया है, जिसे पढ़ना कौन पसंद नहीं करेगा। लेखक अजात शत्रु ने लता जी के बारे में 80 अश्रुत अनजान गीतों का संकलन और समीक्षा भी किया है। इनके गानों का रिकॉर्डिंग संग्रह लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी लता दीदी की ये सारी जानकारी? अगर वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सुनिएगा जरूर। धन्यवाद।